उन्होंने कहा कि दिल्ली का मुख्यमंत्री एक ही है और वो है अरविंद केजरीवाल। क्या वो केवल पद ग्रहण करेंगी, दायित्व नहीं ओटेंगी क्या? माननीय अरविंद केजरीवाल जी सत्ता भोगेंगे बिना किसी जिम्मेदारी की, तो चेहरा कोई भी हो, दिल्ली का दुर्भाग्य लगता है बरकरार रहेगा। माननीय आतिशी मार्लेना जी को बहुत बधाई कि आज उनकी पार्टी ने उनका चयन करा है अगले मुख्यमंत्री बनने के लिए, लेकिन आज उनका बयान सुनकर मुझे बहुत निराशा हुई, एक महिला होने के नाते भी और दिल्ली का वासी होने के नाते भी। उन्होंने कहा कि दिल्ली का मुख्यमंत्री एक ही है और वो है अरविंद केजरीवाल। तो मैं पूछना चाहती हूँ आतिशी जी से, अभी तो उन्होंने संवैधानिक पद की शपथ भी ग्रहण नहीं करी है, तो क्या वो केवल पद ग्रहण करेंगी, दायित्व नहीं ओटेंगी क्या? क्या अब माननीय अरविंद केजरीवाल जी सत्ता भोगेंगे बिना किसी जिम्मेदारी की? इसका अर्थ है आम आदमी पार्टी ने जो यहाँ पर एक दशक से सत्ता भोगी है लेकिन किसी भी प्रकार का काम नहीं करा है दिल्ली की जनता के लिए, इसका अर्थ है कि वो जो पूर्ण विराम विकास के कार्यों पे लगा है वो बरकरार रहेगा। तो चेहरा कोई भी हो, दिल्ली का दुर्भाग्य लगता है बरकरार रहेगा। इसीलिए आपके माध्यम से मैं दिल्ली की जनता से निवेदन करना चाहती हूँ कि यदि आप चाहते हैं कि दिल्ली में सुधार हो, सड़क, पानी, बिजली, सुएज, ड्रेनेज जैसी मूल सुविधाओं में सुधार हो, तो आने वाले चुनाव में भाजपा की डबल इंजन की सरकार का चयन करिए ताकि दिल्ली भी प्रगति के पथ पर अग्रसर हो। मैं आतिशी जी पे कोई व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाऊंगी। आगे के लिए आप क्या स्ट्रैटेजी करें, क्योंकि आप लोगों ने बोला है कि आप लोगों को वोट दे ताकि आप लोग स्वर्ग बना सके दिल्ली को। जी बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए एक दशक तक आम आदमी पार्टी की सरकार है लेकिन सड़क, पानी, बिजली, सुएज, ड्रेनेज की क्या जर्जर हालत है। दिल्ली में कई जगह तो आप देखिए पीने के पानी में सुएज का पानी मिक्स होकर कंटेमिनेट होकर आ रहा है, सड़कों की इतनी बुरी हालत है और यहाँ पर इन्होंने एक दशक से नालों की सफाई नहीं कराई है। दिल्ली कब तक दंश सहती रहेगी आम आदमी पार्टी के टूटे हुए वादों का? आखिरी सवाल है, आप कह रहे कि निर्दलीय से आतिश सीएम हुआ है, तो वो लगातार डिनाई कर रहे कि कोई करप्शन तो हुआ ही नहीं है। इस देश की विभिन्न कचहरियों ने बार बार ये पाया है कि अरविंद केजरीवाल जी किंग पिन हैं शराब घोटाले के, 90 से 100 करोड़ रुपए के किकबैक्स लिए गए थे ताकि उसका दुरुपयोग हो सके आम आदमी पार्टी की गतिविधियों के लिए गोवा चुनावों में, और इसी सब को देखते हुए अरविंद केजरीवाल जी की स्कैम में संलिप्तता को देखते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत ही स्ट्रिक्ट और स्ट्रिंजेंट बेल कंडीशन लगाई थी जहां पर उनको रोका गया था ना तो वो किसी फाइल पे साइन कर सकते हैं ना ही वो सीएम के सेक्रेटेरिएट जा सकते हैं। तो इतना ज़रूर कहूँगी आम आदमी पार्टी को, आपको भाजपा पर विश्वास नहीं होगा, शायद इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज पर विश्वास नहीं होगा, लेकिन कोर्ट की निष्पक्षता पे तो है ना, ये तो कचहरियों का ऑर्डर है जो कहता है कि माननीय अरविंद केजरीवाल जी संलिप्त हैं स्कैम में।